घूमर 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 हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल्स यस किचन विद ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। कैसा आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। सो गाइस, आप यहाँ देख सकते हो मैं थोड़ा बाहर निकली हूँ। एक्चुअली मुझे बनिया जाना है, सो मैं बनिया जा रही हूँ। सो आरव को मैंने ऐसे कैरी कर रखा है और मतलब मुझे खाने दोपहर के लिए कुछ सामान लेना था खाने का। सो हमारे क्वार्टर्स में तो बनिया सामने ही है, लेकिन थोड़ा चल के जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा तकलीफ़ होता है। एक बच्चा लेकर आना इतना ही पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी आज मैं निकली हूँ और आपको मैं मिलवाती हूँ यही प्लेग्राउंड फील्ड से। तो आप लोग तो ये देख देख के पक चुके होंगे। और यहाँ देखिए ये भूतिया महल। अरे मजाक करिए, कोई भूतिया महल नहीं है, पूरा बनिया। को देखो कितना खुश है, बाहर निकलता है तो बहुत खुश हो जाता है। सीरियसली क्या कर रहे हो? पानी भर रहे हो? कैसे हो दी? ठीक। सो गाइस, ये है हमारा क्वार्टर्स का बनिया। सो यहाँ पर सब कुछ मिलता है, कभी कभार तो बाहर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, सो हम यहाँ से ही सब कुछ लेकर जाते हैं। सो मेरे क्वार्टर पे अगर कुछ सामान ख़त्म हो गया है तो मैं फट से आकर यहाँ से लेकर जाती हूँ। सो इजी हो जाता है, मेरे क्वार्टर से थोड़ा दूर है तो थोड़ा चल के आना पड़ता है। ये सामान देखिए, ज़्यादा ही हो गया सामान। सो आरव को कैरी करके बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। आरव को देखिए थक गए ना लेके आना। सो गाइस, ये जो मैंने बोला था भूत बंगला, सो ये भूत बंगला नहीं है एक्चुअली। ये ऐसे ही जस्ट एक रूम है, सो इसे स्टोर रूम बनाया गया। पहले ये बनिया था, अभी स्टोर रूम बनाया गया, पुराना हो गया बहुत। तो दिखने में भी वैसे लगता ही है भूतिया महल लेकिन है नहीं। सो सामान बहुत ज़्यादा हैवी है, देख सकते हैं। और आपको देखो कितने मज़े में का काम, पूरा ऐसे ही कपड़ा पूरा बिखरा के ऐसे जाते, फिर ठीक करना पड़ेगा। घर तो पोछ लिया है मैंने, घर पूरा झाड़ू वाड़ू मार के मैंने पोछ लिया है, लेकिन ये सब मैं ठीक नहीं कर पाई। सभी मैं पूरा मतलब इसको पूरा समेटना पड़ेगा सीरियसली। ऐसे हालत देखिए, मेरा स्किन भी डार्क हो गया, थोड़ा सा स्किन बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा धूप में जाने से मेरा हाल ऐसे ही ख़राब हो जाता है। और देखो यहाँ पर ना आरव रो रहा था, इसको मैंने यहाँ रख दिया है। ये बहुत बदमाश हो गया दिन ब दिन, बहुत ज्यादा। आप इतने बदमाश क्यों हो रहे हो? ये देखो, आइट शिंगाश शिंगाश। नमूना देखा, इसका नमूना देखा आपने? सो ऐसे ही अगर मुझे काम से फुर्सत मिलता है तो मैं थोड़ा गिटार सीखती हूँ। सो टू बी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल भी गिटार प्ले करना नहीं आता है। मैंने जस्ट अभी यूट्यूब से थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश की है। आई एम अ बिगनर, बिल्कुल भी नहीं आता है। सो मैंने जस्ट अभी यूट्यूब से ए माइनर, बी माइनर, सी माइनर ये सब सीखा है। सो ये सब ही आता है मुझे। वॉइस एकदम ठीक है, मैं अभी गाना ही गा रही हूँ, लेकिन गाना तो बढ़िया हो रहा है, लेकिन जो गिटार है वो ढंग से प्ले नहीं हो पा रहा था। सो जैसे तैसे मैं गा रही थी, ऐसे ही मैंने ऐवे ही गाया। सो ये जस्ट अ डेमो है, मैं कैसे मतलब प्रैक्टिस करती हूँ वही मैंने आपको दिखाया। सो मैंने वीडियो का साउंड थोड़ा ऑफ कर दिया है क्योंकि वॉइस के साथ बिल्कुल भी गिटार मैच नहीं कर रहा है। मैं ऐवे ही गा रही हूँ, कोई एक्सपीरियंस गिटारिस्ट नहीं हूँ मैं, जस्ट ऐसे ही मैंने गाया है। नशा चढ़ा जो उतार फेंक
अभिशरम रंग का ना ना रे लान हो बना से मैं आरव का नेल कट कर रही हूँ। आज मैंने फर्स्ट टाइम वर्कर में आरव को बिठाकर मैं यहाँ पर नेल कट कर रही हूँ, नहीं तो जब आरव सोता है तब मैं उसका नेल कट करती हूँ। डर भी लग रहा था कि कहीं आरव का नेल कट करते करते कहीं उंगली ना कट जाए, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से कट किया। सीरियसली मैंने जो आरव के लिए नेल ट्रिमर मशीन लिया था आरव का नेल कट करने के लिए, सीरियसली फालतू प्रोडक्ट है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने बस उसे एक दो बार ही यूज़ किया है और यूज़ कर ही नहीं पाई। आरव बड़ा हो रहा है अब, उसका मतलब नेल ट्रिमर जो मैंने मशीन लिया था उससे नेल कट ही नहीं होता है। सीरियसली आप लोग कभी मत लेना, फालतू प्रोडक्ट है। आरव के पापा आरव के लिए नेल कटर लेकर आए थे, सो ये नेल कटर से ईजीली कट हो जाता है आरव का नेल, सो मैं इसी से कट करती हूँ अभी। सो नेल को कट करते करते मैं यहाँ पर आरव का जो हैंड है वो वाइप से क्लीन कर देती हूँ, नहीं तो जो आरव है वो अपना जो उंगली है वो मुंह पर बार बार डालता रहता है। सो कहीं जो नेल है वो उसके मुंह पर ना चला जाए, इसलिए मैं नेल कट करके साथ साथ मैं उसका वाइप से हैंड क्लीन कर देती हूँ। उनके पापा ने देखिए आरव के लिए कितना सारा डायपर लेके आए, सॉरी कितने सारे डायपर्स लेके आए। मैमी पको पैंट्स, और आरव को देखो कैसे खेल रहा है डायपर से। आरव ये क्या है आपका? हाँ ये आप कहाँ पर लगाते हो? आरव 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 ये डायपर आप कहाँ लगाते हो आपको पता है? ये डायपर आप कहाँ लगाते हो आपको पता है? आरव आप ये डायपर कहाँ लगाते हो? कहाँ लगाते हो? अपने पिछवाड़े में। देखो 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 अभी उठाने जा रहा है। अब ये आपका डायपर है। अच्छा इतना सारा डायपर आपका, इतना सारा डायपर कौन लेके आया है? हाय खला खला खला। ए कौन लेके आया है? अरब कौन लेके आया है? सो अभी मैं आरव के लिए सैडलक बना रही हूँ। सो मैंने पानी पहले से ही बॉईल कर लिया है और अभी मैंने पानी को एक बाउल पे डाल लिया है, उसके बाद मैं सैडलक ऐड कर रही हूँ। सो हाफ स्पून मैं नान भी ऐड करती हूँ। 6 मंथ पे मैंने आरव को नान खिलाया था, सो नान तो आरव बिल्कुल भी नहीं खाता है, लेकिन सैडलक 7 मंथ से स्टार्ट किया है, डॉक्टर ने बोला था तभी मैंने सैडलक स्टार्ट किया। सो सैडलक जब से मैंने खिलाना स्टार्ट किया है तो अभी आरव सैडलक खाता है। सो बीच बीच में मैं फॉर्मूला मिल्क भी पिलाती हूँ। दूदू भूख लग गया, ज़्यादा भूख लग गया। सो पहले मैं फॉर्मूला मिल्क आरव को फिटिंग बोतल से ही पिलाती थी, फिटिंग जो बोतल है वो स्टील का था, सो मैं उसी से पिलाती थी, लेकिन आरव बिल्कुल भी नहीं मानता था। सो अभी मैंने जो सैडलक है वो बाउल में बनाकर अभी मैं उसे खिला रही हूँ। मेरा आरव बेटू जो है वो अजीबो गरीब प्राणी है, सो मैं उसे स्पून से खिलाती हूँ वो मानता ही नहीं है, सो मैं उसे ड्रॉपर से खिला रही हूँ। स्पून से भी मैं बीच बीच में डाल देती हूँ, सो मैंने स्पून भी साथ पे रखा है और ड्रॉपर भी। सो वहाँ मैं आरव को सैडलक भी खिला रही हूँ और यहाँ पर मैं बीच बीच में आकर खाना भी बना रही हूँ, क्योंकि आजकल हबी जो है वो जल्दी आ जाते हैं, 12 बजे आ जाते हैं, सो 2:30 उन्हें जाना पड़ता है, सो मैं जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ। आरव को लेकर मुश्किल होता है खाना बनाने में भी, सो बहुत मुश्किल से मैं सब कुछ काम करती हूँ, घर का काम, खाना बनाना। सो यहाँ पर फ़ोन पकड़ने के लिए भी कोई नहीं है, खुद ही फ़ोन पकड़ कर खाना बना रही हूँ। आरव डोंट।
डोंट आरव, डोंट डोंट डोंट। मैं आरव को स्पॉन्ज बाथ दूंगी, है ना, है ना, स्पॉन्ज बाथ। सो मैंने ऐसे जो है ड्राई शीट लगा दिया उसके ऊपर, मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था कंबल टाइप, वो लगा दिया। अब मैं इसे आपको क्या करना है, स्पॉन्ज बाथ, आपका भी स्पॉन्ज बाथ करेंगे। ओके, आर यू रेडी? रेडी। डोंट, ऐसा नहीं करते बाबा, बेटा ऐसा नहीं करते। सो मैं अभी आर्व को स्पॉन्ज बाथ दे रही हूँ, क्योंकि आर्व को मैंने कल ही मैंने लाया था। सो आज मैं थोड़ा बहुत स्पॉन्ज बाथ दूंगी, क्योंकि वेदर भी इतना ठीक ठाक नहीं है, सो ठंडा भी है। सो इसी वजह से मैं आर्व को स्पॉन्ज बाथ दे रही हूँ। मैं ऑनेस्टली एक बात बताती हूँ, मैं बिफोर मैरिज बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं करती थी। सो मम्मी ने लेकिन हमें सब कुछ सिखाया है। सो मम्मी पूरा शॉक्ड हो गई कि मैं कैसे बच्चा संभाल रही हूँ, कैसे अकेली जो सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। सो मम्मी पूरा शॉक्ड है, मम्मी बोलती है तू कैसे कर लेती है। सो सीरियसली मैं बोल रही हूँ, भगवान ने मतलब मुझे इतना मतलब स्ट्रांग बना दिया है कि मैं अभी सब कुछ खुद ही मैनेज कर लेती हूँ। सो जितना भी मेरे पेरेंट्स का दिया हुआ संस्कार, वो मेरे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, इसलिए मेरी मदर इन लॉ भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। आजकल कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि एक दूसरे का अच्छाई देख नहीं सकते। सो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, सो मैं इग्नोर करती हूँ उनकी बातों को। बेबी लोशन मैं लगा रही हूँ, बेबी न्यू का। सो ये नेचुरल है, सो इसका मैंने रिव्यू बहुत, इसका रिव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था। सो इसी वजह से मैं अभी आरव को यही लगा रही हूँ। ये लगाने के बाद ना मतलब स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है आरव का, मतलब बॉडी। सो मैं ये अभी लगा के दे रही हूँ आरव को। सो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला कि ये बच्चा नहीं संभालेगी, बच्चा पैदा तो कर लिया लेकिन संभालेगी नहीं, ब्लॉग्स बनाएगी, रील्स बनाएगी। लेकिन सो जिन लोगों ने मेरे बारे में बोला था, शायद उनको पता चल ही गया होगा, क्योंकि शायद से वो मेरे ब्लॉग्स को देखते होंगे। सो उन्हें पता चल गया होगा कि मैं कैसे बच्चे, घर को और अपने हस्बैंड को कैसे संभालती हूँ, अकेली ही सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। सो उन्हें पता चल ही गया होगा, घर संभाल कर, बच्चे को संभाल कर जो ब्लॉग्स बनाती हूँ वो भी इजी नहीं है, बहुत टफ होता है। एक ब्लॉग्स बनाने में भी, एडिटिंग करने में भी जो टाइम जाता है ना, मैं क्या बोलूँ। सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके ब्लॉग्स को और इम्प्रूव कर पाऊँ। सो ब्लॉग्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आपको मेरा मेहनत दिख ही रहा होगा मैं कितना मेहनत करती हूँ। मैं ऊपर की छत पर यहाँ पर कपड़ा सुखाने आई हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आर्व को भी कैरी कर रखा है, कपड़े से बांध कर कैरी कर रखा है, और एक भरा हुआ मैं बकेट लेकर आई छत के ऊपर तक, और मैं यहाँ पर कपड़ा सुखा रही हूँ। इट्स नॉट ईजी। सो गाइस आपको दिख ही रहा होगा शायद मेरा मेहनत, मैं कितना मेहनत करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे बारे में इतना कुछ बोला है, वो पहले मेरे ब्लॉग्स को देखे फिर मुझे जज करे। दोपहर का 2:30 बज गया है, और अभी मैं कपड़ा सुखा रही हूँ। अभी जस्ट मुझे टाइम मिला है कपड़ा सुखाने का, हबी भी चले गए हैं ऑफिस, आपको मैंने बोला था कि वो 2:30 समथिंग जाते हैं। सो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। और हाँ, आज का ब्लॉग बस यहाँ तक ही। सो टिल देन, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।